हालेलुया हालेलुया। इसीलिए आज के दिन हम यीशु को धन्यवाद देने आए हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप अपने हाथों को उठाकर अपने दिल की गहराई से यीशु को धन्यवाद दें और उसकी जय जयकार हम करेंगे आज के सुबह। उसको धन्यवाद देते हुए, उसकी प्रशंसा करते हुए हम प्रभु यीशु के नाम को हम ऊंचे उठाएंगे। जय जयकार, जय जयकार। यीशु ने मेरे लिए क्या कुछ न किया। यीशु ने मेरे लिए सब कुछ है किया। हालेलुया हालेलुया। एक तालियों का भेंट चढ़ाएं हम यीशु को आज की सुबह। धन्य हो प्रभु यीशु का नाम। हालेलुया।
तेरा नाम धन्य हो प्रभु यीशु। कितना अच्छा, कितना भला रहा है वो हमारे लिए। मैं जानता हूं ये आप सबों की गवाही है। आज के दिन आप इसे कह सकते हैं कि हाँ, यहोवा मेरे लिए भला रहा है, मेरे लिए भला बना रहा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। हाँ, मेरी जरूरतों को पूरी करता, कोई घटी नहीं। जबकि हमारे आंखें बंद हैं और हमारे हाथ स्वर्ग की ओर उठे हुए हैं, जबकि हम स्मरण करते हैं उन समयों को जब हमारी कोई जरूरत पड़ने ही वाली थी, ठीक समय पर यहोवा परमेश्वर ने एक मुहैया करी, ठीक समय पर प्रभु ने किसी एक व्यक्ति को भेजा हमारे पास, ठीक समय पर एक उचित शब्द हमारे लिए परमेश्वर ने भेजा, सही समय पर एक मददगार भेजा हमारे लिए। संकट के समय में हो, किसी आवश्यकता के समय पर हो, कोई भी ऐसा समय जब हमें जरूरत थी, यहोवा परमेश्वर ने अपने किसी एक संतान को हमारे पास भेजा, ठीक समय पर उन्होंने भेजा। ये है हमारा परमेश्वर, हमारी जरूरतों को पूरा करता है। हालेलुया, धन्य हो प्रभु यीशु, धन्य हो प्यारे परमेश्वर, आपके नाम को हम धन्य कहते हैं। हालेलुया, यीशु मसीह
हालेलुया धन्य हो धन्य हो तेरी महिमा हो वे सदा अपनी आवाजों को उठाकर आइए हम उसकी प्रशंसा करें अपनी आवाजों को उठाकर उसको धन्यवाद दें अपनी आवाजों को उठाइए आवाजों को उठाकर उसकी आराधना करें उसकी जय जयकार करें आज की सुबह हालेलुया 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 We are going to read a passage from the Holy Scriptures. हम पवित्र शास्त्र से एक भाग को पढ़ेंगे. Galatians chapter 5. गलातियों का पुस्तक पत्री उसका पांचवा अध्याय. This Galatians letter is a letter written by Saint Paul to the church at Galatia. और ये एक ऐसे पत्री है जो पौलुस ने लिखा है गलातियों के संतों के लिए. These letters teaches us how to live this Christian life and enjoy the blessings and the benefits of living for Christ. और इन पत्रियों में वो बातें लिखी गई हैं जो एक मसीह जीवन जीने के लिए हमें क्या करना है और ये मसीह जीवन के लाभ और आनंद उठाने के लिए. But before we read, लेकिन इससे पहले कि हम पढ़ें. I want you to give thanks to God for hearing our prayers for the healing of these two individuals for whom we prayed. मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर को धन्यवाद दें कि इन दो लोगों के लिए जिनके लिए हमने प्रार्थना की विनती मांगी है परमेश्वर ने उसको सुन लिया है. Because it is very important for us to give thanks to God for answering our prayers. Though we do not see the result visibly right now. क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि हम लगातार परमेश्वर को धन्यवाद दें उन प्रार्थनाओं के उत्तर के लिए जबकि हम अपने इन शारीरिक आँखों से उत्तर देखते तो नहीं है लेकिन फिर भी हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं. Christian faith says you first give thanks to God and then you will see. और मसीह विश्वास यही कहता है कि सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद दो उसके बाद आप उसके महिमा को देखेंगे. दिस प्रिंसिपल इज नो अदर रिलीजन टीच यू. और ये सिद्धांत जो है आपको और किसी भी धर्म में नहीं मिलेगा. एवरीबॉडी विल से फर्स्ट लेट द ब्लेसिंग कम देन वी विल थैंक. सब लोग कहेंगे कि सबसे पहले वो आशीष मुझे मिलने दो उसके बाद मैं धन्यवाद दूंगा. That is not faith. लेकिन ये विश्वास नहीं है. Faith means we first see by the eyes of faith with our inner eyes. विश्वास का अर्थ यही है कि सबसे पहले हम अपने अंदरूनी आंखों से देखते हैं वे विश्वास से कि जो हमने मांगा है वो पूरा हो गया. Then you confess it with your mouth. और उसके बाद हम अपने मुंह से अंगीकार करते हैं. I am healed. कि मैं चंगा हो गया हूँ. I am healed. मैं चंगा हो गया हूँ. I am healed. मैं चंगा हो गया हूँ. In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से. And that is how you overcome sicknesses and you be happy. और ऐसे ही हम अपने बीमारी के ऊपर हम जय को पाते हैं. So, और आनंद पाते हैं. So these two individuals, they are not here with us. I'm of course that elderly person for whom we prayed, he is here. और दोनों व्यक्तियों में से एक व्यक्ति यहाँ पर मौजूद नहीं है. But the girl for whom we prayed, she is a believer in the Lord. लेकिन जिस लड़की के लिए हमने प्रार्थना किया, वो यीशु मसीह पर विश्वास करती है. When does a miracle happen? चमत्कार कब होता है? Or what is a miracle? या फिर चमत्कार क्या है? A miracle is when the whole world give up and say there is no hope. चमत्कार यही है कि जब पूरा संसार जो है सब लोग ये कहते हैं कि अब कोई आशा नहीं है.
Then God steps in. उसके बाद परमेश्वर अपने काम को करते हैं. And He does what no one else can do. और परमेश्वर उसी कार्य को करता है जो मनुष्य नहीं कर पाता है. That is a miracle. यही चमत्कार है. Until we give up. और जब तक कि हम हार नहीं मान लेते हैं. God may not intervene. परमेश्वर हमारे अंदर दखल नहीं देगा. He lets you try everything you can. और परमेश्वर अनुमति देता है कि जो कुछ भी आप कोशिश करना चाहते हैं आप करें. Because if he comes in between, क्योंकि अगर उस समय परमेश्वर बीच में आएंगे and you are healed, और आप चंगे हो जाएंगे, what will you say? आप क्या कहेंगे? It is all my prayer. ये सब मैंने कोशिश किया है. I did this, मैंने I did ये that. किया, मैंने वो इलाज किया. God also helped. हाँ, परमेश्वर ने भी सहायता किया. God will not help. परमेश्वर ऐसे नहीं काम करेगा. So if you think by what you are doing you can be healed, go ahead and do it. God has no objection. So अगर आप सोचते हैं कि जो कुछ भी आप करते हैं उससे आप चंगाई प्राप्त कर लेंगे तो परमेश्वर उसमें दखल नहीं देगा. Then you cannot experience a miracle. तब आप एक चमत्कार का अनुभव नहीं कर पाएंगे. A miracle is when God himself does 100% and heal you or deliver you or answer your prayer which no one else. चमत्कार वही है जब 100% परमेश्वर ही कार्य करता है और इस संसार में और कोई भी किसी का भी दखल नहीं है. That is a miracle. यही चमत्कार है. In my family, मेरे परिवार में, very recently, just now, a miracle is happening. इसी समय एक चमत्कार हो रहा है. In my family in Kerala. मेरे परिवार जो कि केरल में है. Something is going to happen which ordinarily by our own efforts could have never happened. ऐसे कुछ होने वाला है जो हमारे कोशिशों से वो कभी नहीं हो पाता. So we all give 100% glory to God alone. So हम 100% धन्यवाद और महिमा हम परमेश्वर को ही देते हैं. It is marvelous in our eyes. और हमारे आंखों में ये सब अद्भुत है. It is absolutely not possible. बिल्कुल असंभव सी बात. It is going to happen. वो होने वाला है. So we are going to celebrate. और हम उसका उत्सव मनाने जा रहे हैं. So I am going to Kerala to celebrate. और इसलिए उस उत्सव को मनाने के लिए मैं केरल जा रहा हूँ. There is nothing impossible with our God. देखिए, हमारे परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है. How many of you believe that? आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं? Nothing. You believe that? कोई भी बात नहीं है. Then I want you to keep your hands up. और आप अपने हाथों को ऊपर ही रखें. And then open your mouth. और अपने मुंह को खोले. And say, thank you, Jesus. और कहे, धन्यवाद यीशु. Thank you, Jesus, for healing that girl. धन्यवाद यीशु, आपने उस लड़की को चंग किया है. Her disease has no answer in the world. और उनके रोग के लिए कोई भी इलाज नहीं है इस संसार में. But we prayed. लेकिन हमने प्रार्थना किया. As we prayed, और जबकि हमने प्रार्थना को किया, we believed you have sent your word of healing. हम विश्वास करते हैं कि आपने अपने चंगाई के वचन को भेजा है. You have touched her. आपने उनको छुआ है. You are raising her up. और आप उनको उठा रहे हैं उस बिस्तर में से. The next news we will receive is that she is feeling much, 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 much. और अगला खबर जो हम सुनेंगे कि वो बहुत बेहतर हो गई हैं. Then we thank you, Lord, for touching that elderly person. और हम धन्यवाद करते हैं इस अंकल के लिए आपने जो छुआ है. We believed and we prayed on his behalf. हमने विश्वास किया है और हम उनके तरफ से हमने विश्वास किया है और प्रार्थना किया है. We believe that you have already begun that healing. हम विश्वास करते हैं कि आपने वो चंगाई को शुरू किया है. And very soon, even before he reaches back to his home, he is going to realize that something has happened to him. और बहुत ही जल्द, इससे पहले कि वो घर पहुंच जाए, वो महसूस करेंगे कि उनके शरीर में कुछ हुआ है. There shall be in your kingdom. और वे आपके राज्य में आने पाए. Thank you, Father. धन्यवाद पिता. Now everybody open your mouth and praise God. अब हर एक व्यक्ति अपने मुंह को खोलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे. Thank you, Lord, for healing that girl. धन्यवाद दे कि परमेश्वर आपने चंगाई को दिया है. That girl is healed. और उस लड़की ने चंगाई को पाया है. And this brother for whom we prayed, he is healed. और इस भाई के लिए जिसके लिए हमने प्रार्थना किया है. And your name is exalted. और आपका नाम महिमा पाने पाए.
पाए. Your name is glorified. आपका नाम महिमा पाने पाए. For it is for your glory, Lord. क्योंकि ये आपकी महिमा के लिए है प्रभु. It is marvelous in our eyes. और ये हमारे आंखों में अद्भुत है. But you have done it. कि आपने इस कार्य को किया है. We give you all the praise and glory. सारी स्तुति और महिमा और आदर हम आप ही को देते हैं. This morning ministered to us by you. और आज की सुबह आपके वचन से आप हमसे बातें करें. Thank you. धन्यवाद. In Jesus name. यीशु के नाम से मांगते हैं. ओके, गैलेशियंस चैप्टर 5, गलातियों की पत्री उसका पांचवा अध्याय, वर्स 16, उसका 16 पद. आई हैव बीन स्पीकिंग टू यू अबाउट द होली स्पिरिट, और मैं आपसे बातें करते आ रहा हूं पवित्र आत्मा के विषय में. हाउ टू बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट, कैसे आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो सकते हैं. एंड हाउ वी मस्ट बी केयरफुल सो दैट वी डू नॉट ग्रीव द होली स्पिरिट, और कैसे हमें बहुत सचेत रहना है कि हम पवित्र आत्मा को दुखी ना करें. डोंट डू थिंग्स दैट विल हर्ट हिम, ऐसे काम ना करें जो पवित्र आत्मा को ठेस पहुंचेगा. इट इज नॉट गुड फॉर यू, ये आपके लिए अच्छा नहीं है. And in the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम से. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु. Thank you, Jesus. Okay, let us read this verse. आइए हम इस पद को पढ़ें. पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करो. Okay, what does this verse say? इस आयत में क्या लिखा है? क्या लिखा है वहाँ? कैसे चलना है? आत्मा, ये कौन सा आत्मा है? पवित्र आत्मा. पवित्र आत्मा किसका आत्मा है? प्रभु यीशु मसीह के आत्मा. सो पवित्र आत्मा से हमारा चाल चलन होना है. ओके ओके, अंडरस्टैंड? हाउ आर वी टू वॉक, हमें कैसी चाल चलना है? बोलिए, सब लोग बोलिए ना. पवित्र आत्मा के अनुसार चलना है. ओके ओके, वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड व्हाट इट मीन्स टू बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट, और हमने पहले ही समझ लिया है कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना का अर्थ क्या है. एंड इट मीन्स नो वन कैन बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट विद बिटरनेस इन आवर हार्ट्स, और अगर हम अपने हृदय में कड़वाहट रखेंगे तब हम पवित्र आत्मा से नहीं भरे जाएंगे. नो वन कैन बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट with pride in our hearts. और पवित्र आत्मा से तब तक हम परिपूर्ण नहीं हो पाएंगे जब तक हमारे हृदय में घमंड है. You cannot be filled with anger and then be filled with the Holy Spirit. और हृदय में क्रोध को रखकर आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं हो सकते हैं. And we cannot be filled with malice and then be filled with the Holy Spirit. और ईर्ष्या अपने हृदय में रखकर हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं हो सकते. And no one can be filled with hatred and then also be filled with the Holy Spirit. और अपने हृदय में बैर रखकर हम पवित्र आत्मा से नहीं भरे जा सकते. And that means first of all we need to check ourselves. और इसका अर्थ यही है कि सबसे पहले हमें अपने आप को जांचना है. What kind of spirit is living in us? कि किस प्रकार का आत्मा हमारे अंदर रहता है? Is there any hatred? क्या हमारे अंदर कोई बैर है? Then don't expect to be filled with the Holy Spirit. तो फिर ये आशा ना रखें कि आप पवित्र आत्मा से भरे जाएंगे. Always remember that. हमेशा याद रखें. Do you have pride in you? क्या आपके अंदर घमंड है? That you are proud of whatever you have and whatever you are. कि जो कुछ भी आप हैं, जो कुछ भी आपके पास है. You feel superior to others. और आप अपने आप को दूसरों से ऊपर महसूस करते हैं. Then you cannot be filled with the Holy Spirit. तब फिर आप पवित्र आत्मा से नहीं भरे जा सकते हैं. And if you are seeking to please God. और अगर आप खोज रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर को प्रसन्न करें. Then you have to get rid of everything that hinders the Holy Spirit. तो फिर जो कुछ भी ऐसी बात है जो पवित्र आत्मा के और आपके बीच में आता है उसको आपको हटाना है. You understand? आप समझ गए? And is there any lying spirit? क्या आपके अंदर झूठ का आत्मा है? You know, some people have that spirit. कुछ लोगों के अंदर वो आत्मा है. Tell lies even if there is no need.
और अगर जरूरत भी नहीं है तब भी झूठ निकलता है मुंह से. It is a habit. ये एक आदत सी बन गई है. And with that spirit you cannot be filled with the Holy. और ऐसे आत्मा से आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं हो सकते हैं. But you may speak in tongues also. और हो सकता है आप अन्य भाषा भी बोलते हो. But that will not be a right spirit. लेकिन वो एक सही आत्मा नहीं होगा. Because the spirit is called Holy Spirit. He is holy and he can dwell only in a holy place. क्योंकि इस आत्मा को हम पवित्र आत्मा कहते हैं और अगर ये पवित्र आत्मा है तो ये सिर्फ एक पवित्र व्यक्ति में रह सकता है. I am not talking about perfection. और मैं किसी सिद्धता के विषय में नहीं बोल रहा हूँ. We are not perfect. हम कोई भी व्यक्ति कोई सिद्ध नहीं है. But we have to begin somewhere. लेकिन हमें कहीं शुरुआत करना है. And then keep growing in it. और उसमें आगे बढ़ना है. Keep growing until we become perfect. When we see Jesus. और सिद्धता की ओर हमें बढ़ना है. So I want all of you who know Jesus Christ. So मैं चाहता हूँ आप में से जितने लोग यीशु मसीह को जानते हैं. Please. Continue to grow in your faithfulness. आप लगातार अपने विश्वास योग्यता में बढ़ते रहें. Continue to grow in your holiness. अपने पवित्रता में बढ़ते रहें. Keep on getting rid of all the greed and the immorality and all the pride and all these sort of things which hinder the coming of the Holy Spirit in you. और जितना भी लालच है या ईर्ष्या है या घृणा है या कोई भी अनैतिक बात है, कोई भी बात है जो आपके और पवित्र आत्मा के बीच में आता है, उसको आप दूर कर दें. If you want to enjoy life, अगर आप जीवन का आनंद उठाना चाहते हैं, and enjoy all the benefits of believing in Jesus, और यीशु मसीह पर विश्वास करने के जितने भी लाभ हैं उसका आनंद उठाने पाए. Don't think you can believe in Jesus and then live in any way you want. आप ये ना सोचे कि आप यीशु मसीह पर विश्वास करके आप कैसे भी जीवन व्यतीत कर सकते हैं. God also has taught us in His Word how we must live this life. परमेश्वर ने अपने वचन में ये भी सिखाया है कि किस प्रकार का जीवन हमें जीना है. So one of the things is. So उनमें से एक बात ये है. You walk in the spirit. आप आत्मा में चले. Or you live in the spirit. या आत्मा में अपने जीवन को व्यतीत करें. Now what does it mean to live in the spirit? इसका अर्थ क्या है कि हम आत्मा में जीते हैं? First of all, let me tell you, we must begin to walk in the spirit. सबसे पहले मैं बोलूं कि हमें आत्मा में चलना सबसे पहले सीखना है. Living or walking means living and walking in faith. और जीवित आत्मा में जीवित रहना या आत्मा में चलना का अर्थ यही है कि हम विश्वास से जीते हैं और चलते हैं. It speaks of faith. और ये बात विश्वास के विषय में बताता है. You understand? आप समझ गए? Living by faith. विश्वास से जीना. Living and walking. Walking also means making progression. और चलने का आत्मा में चलने का अर्थ ये भी है कि हम आगे बढ़ रहे हैं. We are progressing. हम आगे बढ़ रहे हैं. We are improving. हम और भी बेहतर हो रहे हैं. We are growing. हम बढ़ रहे हैं. That is what walking means. और इसी का अर्थ चलना है. So that's why it does not say you stand in the faith. और इसलिए नहीं लिखा है कि हम विश्वास में खड़े रहें. It says walk in the faith. विश्वास में चलें. See, I can also just stand in one place. ये भी संभव है कि हम एक ही स्थान में खड़े रहें. And have all the actions of walking. और सारे दिखावट के लिए हम दिखा सकते हैं कि हम चल रहे हैं. Anyone walking from a distance, see, I am walking. दूर से अगर कोई देखेगा, वो देखेगा कि मैं चल रहा हूँ. I have the action of walking. और चलने का तो दिखावट तो है. But I am not making any progress. लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ. I am standing in the same place I started. और जहाँ मैं खड़ा हूँ, मैं उसी स्थान में खड़ा हूँ. Now many Christians are like that. बहुत विश्वासी ऐसे ही हैं. They have all the. It seems they are walking. और ऐसे लगता है कि वो चल रहे हैं. But they are not. लेकिन वो नहीं चल रहे हैं. Progressing. वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं. They are not moving even one feet forward. और एक फीट भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं. What does that mean? इसका अर्थ क्या है? Where they have all the actions as a Christian. कि एक विश्वासी होने का पूरा दिखावा है. They come to church. कलीसिया में आते हैं. Listen to messages. संदेशों को सुनते हैं. Put the offering. अपने भेंट को डालते हैं. Give some donation. कुछ दान को देते हैं. They even take communion.
और प्रभु भोज भी लेते हैं. They sing song. गीतों को गाते हैं. They also clap hands. तालियों को बजाते हैं. All the actions are there. सारा दिखावा है. But no progress or growth in your Christian life. लेकिन मसीह जीवन में कोई बढ़ोतरी नहीं है. Your habits are not changing. आदतें नहीं बदल रहे हैं. Your practices are not changing. आपके अभ्यास नहीं बदल रहे हैं. There is no change in your character. चरित्र में कोई बदलाव नहीं. No change in your life. और स्वभाव में कोई बदलाव नहीं. Why? क्यों? Because we who are not walking in the spirit, you are walking in the flesh. क्योंकि हम आत्मा में नहीं चल रहे हैं, हम अपने शरीर में ही चल रहे हैं. And so understand what it means to walk in the spirit. So इस बात को समझ ले कि आत्मा में चलने का अर्थ क्या है. The lame man in the gospel records, और सुसमाचारों में जो हम उस लंगड़े व्यक्ति के विषय में पढ़ते हैं, he stood up at the word of God, word of Jesus, and he began to walk. और यीशु के वचन को लेकर वो उठ खड़े होकर चलने लगा. When Peter and John met a lame man, और जब पत्रस और यहुन्ना एक लंगड़े व्यक्ति से मिला, they didn't have silver or gold to give him. उनके पास सोना या चांदी नहीं था उनको देने के लिए. But they said, whatever we have, we give to you. लेकिन उन्होंने कहा कि जो कुछ भी मेरे पास है मैं तुझे देता हूँ. In the name of Jesus, stand up and walk. यीशु मसीह के नाम से खड़े हो जाओ और चलने शुरू करो. Now, what is the blessings of walking in the Spirit? और आत्मा में चलने के आशीष क्या है? You cannot walk in the spirit without obeying the spirit. और बिना आज्ञा को माने आप आत्मा में नहीं चल सकते हैं. And the spirit will always advise you according to the scripture. और आत्मा जो है हमेशा वही सलाह देगा जो वचन में लिखा है. Be holy because I am holy. पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ. Be perfect because our heavenly Father in heaven is perfect. और सिद्ध बनो क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग में है वो सिद्ध है. And then forgive one another. और फिर एक दूसरे को क्षमा करो. If you don't forgive, अगर क्षमा नहीं करोगे, our heavenly Father in heaven also will not forgive you. जो हमारा पिता स्वर्ग में है वो भी क्षमा नहीं करेगा. Now you think, what will happen if God does not forgive us? और आप सोचे अगर परमेश्वर पिता हमें क्षमा नहीं करेगा तो क्या होगा? Without him forgiving us, we cannot even enter into the kingdom of God. अगर पिता हमें क्षमा नहीं करेंगे तो हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश भी नहीं कर पाएंगे. So if we want to be forgiven by God, so हम चाहते हैं कि परमेश्वर पिता हमें क्षमा करे, we must forgive others who wrong us. तो फिर हमें उन लोगों को क्षमा करना है जिन्होंने हमसे गलत किया. That is what Jesus taught us. यही बात यीशु ने हमें सिखाया है. He taught us what? क्या सिखाया है? Forgive us, O Lord, our sins, even as we forgive others who wrong. और हे पिता हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे कि आपने हमें क्षमा किया है. You understand? जैसे कि हम दूसरों को क्षमा करते हैं. You pray that prayer. और ऐसे प्रार्थना को आप प्रार्थना करें. But then are you forgiving others? क्या आप दूसरों को क्षमा कर रहे हैं? Then don't expect God to forgive you. तो फिर आप आशा ना रखें कि परमेश्वर आपको क्षमा करेंगे. Only those who have a forgiving spirit and a willingness to forgive those who wrong us can pray that prayer. और सिर्फ जो लोग दूसरों को क्षमा करने के लिए तैयार हैं वो ही लोग ऐसे प्रार्थना कर सकते हैं, पिता हमें क्षमा कर. So walking in the spirit means, so आत्मा में चलने की का अर्थ यही है, walking in obedience, आज्ञाकारिता में चलना. Walking in the spirit means, आत्मा में चलने का अर्थ यह है, allowing the Holy Spirit to be in control of us. पवित्र आत्मा को अनुमति देना कि हमारे जीवन के ऊपर नियंत्रण को ले. And how do we do that? और हम कैसे करते हैं? By reading the Bible and understanding what it says and doing it. इस वचन को पढ़ने से, उसको समझने से और जो कुछ भी लिखा है उसको करने से. Even difficult thing. और बहुत मुश्किल या कठिन कार्य भी. We have no excuse for not doing it. हमारे पास कोई भी बहाना नहीं है उसको नहीं करने के लिए. Because help is available. क्योंकि हमको सहायता उपलब्ध है. He has given you his grace. परमेश्वर ने अपना अनुग्रह प्रदान किया है. The Bible says, love even your enemies. क्योंकि परमेश्वर ने बोला अपने शत्रु से भी प्रेम रखो. If your enemy is hungry, give him something to eat. अगर तुम्हारा शत्रु भूखा है उसको खाने के लिए कुछ दो. You understand? आप समझ गए? If somebody slap you on your cheek,
अगर कोई व्यक्ति आपको गाल में तमाचा मारे, turn the other cheek also. अपने दूसरे गाल को भी दे दो. Can you do that? क्या आप ऐसे कर पाएंगे? Is it possible? क्या ये संभव है? It is not possible for us to do it. ये हम अपने शक्ति से ही नहीं कर पाएंगे. That is why. इसलिए. God has given us the Holy Spirit. परमेश्वर ने हमने अपने पवित्र आत्मा को दिया है. He empowers us. पवित्र आत्मा हमें सामर्थ देता है. His grace enables us. उसका अनुग्रह हमें योग्य बनाता है. Paul says again. पौलुस क्या कहता है? His divine grace. परमेश्वर का दैवीय अनुग्रह. Which saved us from our sin. जिसने हमें अपने पापों से क्षमा किया है. It now gives us the enablement. अब हमें योग्य बनाता है. To say no to ungodliness. कि हम अपवित्रता के लिए हम ना कहे. Young people. जवान लोग. You find it difficult to overcome and be victorious over temptation. आपको मुश्किल लगता है कि कोई परीक्षा सामने आता है उसके ऊपर जय पाने के लिए. I don't blame you. मैं आपको दोषी नहीं ठहराता हूँ. Because you have, you cannot, you are. क्योंकि आप अपने ताकत से उसके ऊपर जय नहीं पा सकते हैं. That is why. इसी कारण से. He has given you the grace. परमेश्वर ने आपको अनुग्रह दिया है. By grace you are saved. अनुग्रह से आप क्षमा किए गए हैं. That is the greatest work of His grace. और ये सबसे बड़ा कार्य है उसका अनुग्रह का. Then the Bible says. तब बाइबल कहती है. The same grace. वही अनुग्रह. Is in you. वही अनुग्रह तुम्हारे अंदर that है. That grace gives you the enablement. It enables you to say no. वही अनुग्रह आपको योग्य बनाता है कि आप ना कहे. No to any temptation. कोई भी परीक्षा सामने आ जाए. Hallelujah. No matter how strong the temptation. चाहे जितना भी ताकतवर वो परीक्षा हो. You and I can overcome. By the grace. आप और मैं उसके ऊपर विजय पा सकते हैं उस अनुग्रह के द्वारा. So lift up our hands. So आइए अपने हाथों को उठाएं. And thank God for the grace. परमेश्वर का धन्यवाद दें उस अनुग्रह के लिए. You have to trust by grace. You must immediately say no. हमें भरोसा करना है कि अनुग्रह से हम ना कहे. You are an overcomer. आप एक जयवंत व्यक्ति हैं. By His grace. उसके अनुग्रह के द्वारा. Hallelujah. Hallelujah. So. Walking in the Spirit means living victoriously. So, आत्मा में चलने का अर्थ यही है कि हम एक जयवंत जीवन Just like the जीते lame, हैं. Lame man walked. और जिस प्रकार उस लंगड़े व्यक्ति वो when, चलने लगा. When Peter and John told him. और पत्रस और यहुन्ना उससे कहने लगा. Silver and gold we have none. सोना और चांदी हमारे पास नहीं है. But we give you what we have. लेकिन जो हमारे पास है हम देते हैं. What do we have? हमारे पास क्या है? The name of Jesus. यीशु मसीह का नाम. So in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से. Stand up. खड़े हो जाओ. And walk. और चलने लगो. Hallelujah. Hallelujah. And they lifted him up. और उन्होंने उसको खड़ा किया. And he stood up. और वो खड़ा हो गया. The Bible says first he began to walk. और बाइबल कहती है सबसे पहले वो चलने लगा. Then he began to run. तब वो दौड़ने लगा. Then he began to jump. और फिर वो कूदने लगा. And then he began to run and jump and enter into the house of God. और दौड़ते और कूदते हुए वो परमेश्वर के भवन में प्रवेश किया. And inside the house of God he began to glorify God. और भवन के अंदर परमेश्वर को महिमा देने लगा. Hallelujah. Hallelujah. And those of you are listening to me. और आप में से जितने लोग मुझे सुन रहे हैं right now, इसी समय right now, इसी समय the Lord is here in this place. प्रभु यहाँ पर मौजूद है. The word is creating that faith in you. वो वचन आपके हृदय में उस विश्वास को उत्पन्न कर रहा है. To be healed and ताकि आप चंगे हो जाएं. Believe. विश्वास करें. It is happening. कि इसी समय वो हो रहा and है. By faith, और विश्वास से rise up. खड़े हो जाओ. Stand up. खड़े हो जाओ. If you have come here sick. अगर आप यहाँ पर बीमार आए हैं. And you need a touch from God. और आपको परमेश्वर की ओर से एक स्पर्श की आवश्यकता है. He has touched you. परमेश्वर ने आपको छू लिया है. Now it is for you to see your healing by the eyes of faith. अब ये आपके लिए है कि विश्वास के आंखों से आप उस चंगाई को देख लें. And then jump and shout, thank you Jesus for healing me. और फिर खड़े होके चिल्लाएं कि धन्यवाद यीशु, आपने मुझे चंगा किया है. You want to do it? क्या आप करना चाहते हैं? Anybody here? क्या कोई यहाँ पर है? Who wants healing? जिसको चंगाई की जरूरत है? Just stand up and say, I am healed in the name of Jesus. खड़े होकर कहें कि मैं यीशु मसीह के नाम से चंगा या चंगी हो गया हूँ. Come on, sister, you say that.
आप कहें, अपने मुंह से कहें, अंगीकार करें, I am healed in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से मैं चंगा या चंगी हो गई. Hallelujah. यीशु के नाम से. Shout and say, I am healed in the name of Jesus. और चिल्लाकर कहें, Hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद. Every one of you. हर एक व्यक्ति. Because I am. This is not a story telling. क्योंकि ये कोई मैं कहानी नहीं this बता रहा. This is real. ये वास्तविक. If you think Jesus is, if you believe Jesus is real. अगर आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह वास्तव में है. You believe that, isn't it? क्या आप विश्वास करते हैं? You believe Jesus is real? आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह वास्तव में है? He is here. वो यहाँ पर मौजूद है. Hallelujah. Hallelujah. If you believe Jesus is real, अगर आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह वास्तविक है, His promises are real. यीशु मसीह के प्रतिज्ञाएं वास्तविक है. And he is able to fulfill his promise. और वो योग्य है अपने प्रतिज्ञाओं को रखने के लिए. So I say in the name of Jesus. तो मैं कहता हूँ यीशु मसीह के नाम से. All of you standing here. और जितने लोग खड़े हैं यहाँ पर, receive that healing. उस चंगाई को प्राप्त करें. Receive that healing. उस चंगाई को प्राप्त करें. In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से. By the authority of Jesus. यीशु मसीह के अधिकार से. He gives you authority. यीशु मसीह आपको अधिकार देता है. He gives you authority. उस अधिकार से. Over your sickness. अपने बीमारी के ऊपर आप विजय को पाए. Let me tell you one thing. मैं आपको एक बात बताऊं. Let us not be unreal. Unreal. हम कुछ दिखावा ना करें. If we believe Jesus is real, अगर हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह वास्तविक है, and you believe that Jesus would do what he promised to do, और आप विश्वास करते हैं कि ये आप यीशु मसीह वो कार्य को करेगा जो उसने कहा है, then you must act upon that faith. तो फिर उसके ऊपर आपको विश्वास करना है. Otherwise, you are failing Jesus. अन्यथा आप यीशु मसीह को पराजित कर रहे हैं. You believe one thing and you Do not act on your faith. आप विश्वास करते हैं लेकिन उस विश्वास के ऊपर आप कार्य नहीं करते हैं. That is the way you receive your healing. और ऐसे ही आप अपने चंगाई को प्राप्त करते हैं. Not because I prayed. इसलिए नहीं कि मैंने प्रार्थना किया है. Not because anybody else prayed. इसलिए नहीं कि किसी और ने प्रार्थना किया है. Because your faith is at work. क्योंकि आपका विश्वास कार्य में है. You believe that Jesus is real. आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह वास्तविक है. And his promises are real. और उसके प्रतिज्ञाएं वास्तविक है. And that he is able to do what he said he would do. और वो योग्य है उस कार्य को करने के लिए जो उसने कहा है वो करेगा. Then you must act on that faith. तो फिर उस विश्वास के ऊपर आपको कार्य करना है. He is healing me. कि यीशु मुझे चंगा कर रहे हैं, वो मुझे छू रहे हैं, मेरे प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहे हैं. Hallelujah. Hallelujah. I may not see the visible blessing immediately. हो सकता है कि अचानक मैं उस चंगाई को ना देख पाऊं. But you receive your whatever you are praying for. लेकिन जिस किसी भी चीज के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं विश्वास से उसे ग्रहण करें. Then you keep on thanking God. और फिर लगातार आप परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें. Hallelujah. Hallelujah. That's what Jesus said. यही बात यीशु ने कहा. When you pray, जब तुम प्रार्थना करो, believe that you have received. विश्वास करो कि तुमने उसको पा लिया है. Then you will have it. और उसके बाद तुम उसे पाओगे. So first I see by the eyes of faith. So सबसे पहले विश्वास के आँखों से मैं उसे देखता हूँ. I am healed. मैं चंगा हो गया हूँ. The healing is in my possession. वो चंगाई जो है मेरे हाथों में है. I hold it. मैं उसे पकड़ता हूँ. I receive it. मैं उसे ग्रहण करता हूँ. And I am enjoying it. और मैं उसका आनंद उठाता हूँ. And then I go praising God. और फिर मैं परमेश्वर को स्तुति और धन्यवाद देता हूँ. Then I will have it. और तब मैं उसे पाऊंगा. In the name of Jesus. यीशु के नाम से. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. So walking in the Spirit means living obedient life and a victorious life. So आत्मा में चलने का अर्थ यही है कि आज्ञाकारिता का जीवन व्यतीत करना. Obedience brings victory. और आज्ञाकारिता से फिर हमें विजय प्राप्त होता है. What brings victory? विजय किस बात से आती है? Obedience. आज्ञाकारिता से. Amen. Amen. And if there is no obedience, और अगर कोई आज्ञाकारिता नहीं है, you remain as you are. तो फिर जैसे आप हैं आप वैसे ही रहेंगे. And then you blame everybody else except yourself. और फिर आप हर किसी को दोष देंगे और अपने को दोष नहीं देंगे. And including God, you blame. और उसमें परमेश्वर भी मौजूद है.
God has already released His blessing to you, my sister. परमेश्वर ने सबसे पहले से ही आपको वो आशीषें दिए हैं. You need to stretch out your hand of faith. आपको विश्वास के हाथों को आगे बढ़ाना है. Take it. उसे ग्रहण करना है. Amen. Amen. Then what does it mean? फिर क्या अर्थ है? Peter walked on the water. पत्रस उस समुद्र के ऊपर चला. How did he walk? कैसे चला? अरे, it was not possible. Only Jesus walked on the storm-struck lake and walked. और उस आंधी तूफान भरे वो समुद्र उन लहरों के ऊपर सिर्फ यीशु मसीह ही चला. Peter was the only human being who walked on. उसके बाद पत्रस ही एकमात्र ऐसे मनुष्य था जो उस लहरों के ऊपर चला. How was it possible? ये कैसे संभव हो गया? So what is impossible can happen with you if you do it according to word of Jesus. So जो बात असंभव है वो आपके लिए संभव हो सकता है अगर आप यीशु के वचन के ऊपर कार्य करेंगे. You know how Peter walked? आप जानते हैं पत्रस कैसे चला? Not in his own strength. अपने खुद के ताकत से नहीं. Not by some magic. और किसी जादू से नहीं. He walked actually on the word that Jesus spoke. जो वचन यीशु मसीह ने बोला या कहा उसके ऊपर उसने अपने कार्य को किया. When Peter saw Jesus walking, जब पत्रस ने देखा कि यीशु मसीह उन लहरों के ऊपर चल रहे हैं, they all got scared. वो सब डर गए. Is there a boot out there? That's what they said. और उन्होंने यही कहा कि भूत आ रहा है. They were already scared to death because of the storm. वो पहले से ही उस आंधी तूफान से डर के बैठे हुए थे. They thought they were going to sink and die. और वो यही सोच रहे थे कि डूब के मर जाएंगे. And then on top of that, और उसके ऊपर, their fear became doubled or tripled by seeing the भूत का. और उनका डर जो है वो दुगना और तीन गुना हो गया उस भूत को देखकर. अरे भैया, ये क्या बात है? Already we are dying. कहने लगे सबसे पहले से ही हम मरे जा रहे हैं. But Jesus saw their fear. लेकिन यीशु मसीह ने उनके डर को देख लिया. And he spoke to them. और उनसे कहा. What did he speak? यीशु ने क्या कहा? Don't be afraid. डरो मत. It is I. ये मैं हूँ. In other words. दूसरे शब्दों में. You know the storm you are fearing. कि जिस आंधी तूफान से तुम डर रहे हो, this storm is here not to destroy you. ये तूफान जो है तुम्हें नाश करने के लिए नहीं है. I am using this storm as a chariot to come to you. मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ एक जरिए तुम तक पहुँचने के लिए. So I am coming to you. So मैं आ रहा हूँ. It is I. ये मैं हूँ. Don't be afraid. डरो मत. And then Peter said. और फिर पत्रस ने कहा. Jesus, if it is you. कि परमेश्वर अगर आप हैं, I want to make sure. मैं निश्चय करना चाहता हूं. Command me, I also want. मुझे आज्ञा दो, मैं भी चलना चाहता हूं. I want to come to you. मैं आपके पास आना चाहता हूं. He did not pray, Lord, if it is you, please stop this storm. पत्रस ने यह नहीं प्रार्थना किया कि यीशु अगर आप हैं तो इस तूफान को बंद कर दे. Calm the sea. इस समुद्र को शांत कर दे. एंड स्टॉप द वेव्स. और लहरों को बंद कर दे. एंड गेट अस आउट ऑफ दिस. और हमें इससे बाहर निकाल दे. आई लाइक पीटर्स प्रेयर. लेकिन मुझे पसंद है पत्रस ने जो बात कहा. ही डिडंट प्रे फॉर एनी ऑफ दीस थिंग्स. इन बातों के लिए उसने प्रार्थना नहीं किया. ओह स्टॉप माय सिकनेस. अरे मेरे बीमारी को रोक दो. स्टॉप. Stop all my trouble. मेरे सारे परेशानियों को बंद कर दो. You know what the prayer that pleases God? और वो कौन सी प्रार्थना है जो परमेश्वर को प्रसन्न करती है? The prayer that pleases God is. और परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला प्रार्थना यही है. Lord, give me strength. कि प्रभु मुझे ताकत दे. That I too be able to walk through the storm. कि इस तूफान और लहरों के मध्य में मैं चलकर आपके पास आऊं. And can somebody control her? Stop. You know, that is the prayer that pleases God.
और यही वो प्रार्थना है जो यीशु पसंद करते हैं. एंड जीसस सेड कम, और यीशु ने कहा कि आओ, कम, आओ मेरे पास. एंड इट इज ऑन दैट वर्ड that Peter jumped into the aur usi vachan ke upar Patras ne apne karya ko kiya. So as long as Peter was walking on the word of God, so jab tak Patras Yeshu ke vachan ke upar chal raha tha, he could walk, wo chal paya. But then suddenly he took his eyes off from Jesus, lekin achanak fir usne kya kiya, apne aankhon ko Yeshu se hata diya. And he started looking around, aur fir charo or dekhne laga. What did he see? Kya dekha? The storm, तूफान को देखा, the wave, लहरों को देखा, the troubled water, और वो पानी को देखा. He saw everything, वो सब कुछ देखने लगा, except the face of Jesus, और सिर्फ यीशु के चेहरे को नहीं देखा. That is our problem. यही हमारी समस्या है. In the midst of storm and some difficulties, कि तूफान और परेशानियों के मध्य में, we lose the sight of Jesus. हम यीशु के दृष्टि को खो देते हैं. We concentrate on our troubles. हम अपने परेशानियों के ऊपर अपने आंखों को लगाते हैं. ओ, इतना परेशान है. कितनी परेशानी है. You know how people talk. आप जानते हैं लोग कैसे बात करते हैं. Now this heat. अब ये गर्मी है. We put all the blame on the heat. और सारा दोष गर्मी के ऊपर है. Oh, this heat. अरे क्या गर्मी है. It's terrible. बहुत भयानक है. And we take our eyes off Jesus, और हम अपने आंखों को यीशु की ओर से हटा देते हैं, looking at the heat, और गर्मी को देखने लगते हैं. See, I am also living in the same city, the same temperature I also feel. मैं भी उसी शहर में रह रहा हूँ, वही तापमान मैं भी झेल रहा हूँ. And the daytime, और दिन के समय में, there is an AC in my room. मेरे कमरे में एक एसी है. By the kindness of the church. और इस कलीसिया ने मुझे वो गिफ्ट दिया था. But I don't use the AC. लेकिन मैं उस एसी को इस्तेमाल नहीं करता हूँ. Especially during daytime. और विशेषकर दिन के समय में. Daytime is the time when you need an AC. और दिन का समय है जब सबसे ज्यादा जरूरत है. But I don't use. लेकिन मैं उसे इस्तेमाल नहीं करता हूँ. If you want to test me, you can come in the afternoon, 2 o'clock. अगर आप परखना चाहते हैं तो किसी भी समय दोपहर को 2 बजे आप यहाँ पर आ सकते हैं. Or 3 o'clock. या 3 बजे आ सकते हैं. You think pastor must be sleeping. और आप सोच रहे होंगे पास्टर सो रहे होंगे. You will never find me sleeping. आप कभी भी मुझे सोते नहीं देखेंगे. And anyway, quietly you come and check. आप खामोशी से आके आप यहाँ पर देख सकते हैं. You will know. You know why? और लेकिन मैं मेरा एसी नहीं चल रहा होगा. आप जानते हैं क्यों? How many of you have AC? आप में से कितने लोगों के पास एसी है? There are many people who don't have. बहुत लोगों के पास नहीं है. So I know how it feels. So मैं जानता हूँ कैसे महसूस होता है. I know the difficulties. और मैं परेशानियों को सब जानता हूँ. Don't be scared. आप डरे नहीं. The one who created the summer also created the winter. जिस परमेश्वर ने गर्मी के मौसम को बनाया है, वही परमेश्वर ने जाड़ा को भी बनाया है. He also made rainy season. और वही परमेश्वर ने बरसात के मौसम को भी बनाया है. But now, लेकिन इस समय, today it has become unbearable. ये गर्मी जो है अब बहुत हम सह भी नहीं पाते हैं. Heat is unbearable. ये गर्मी जो है बहुत सहन से बाहर हो चुका है. Rain comes is floods. और जब बरसात आती है तो फिर बाढ़ आ जाती है. बहुत परेशान है. फिर अलग परेशानियां होते हैं. Winter biting cold. और जब जाड़ा आता है तो फिर इतनी ठंड पड़ जाती है. It's terrible. What happened is when these things happen, we take our eyes off from Jesus and we keep looking at this kind of situation and the harm that can come. और क्या होता है ऐसे परिस्थिति में हम अपने आंखों को यीशु से हटाकर ये सारे बातों पर लगाते हैं और जो हानि हमको पहुंचता है. But I tell you, लेकिन मैं आपको बताऊं, listen to the words of Jesus. यीशु मसीह के वचन को सुनो. Do not be afraid. डरो मत. It is I. ये मैं हूँ. But then today, why is it extremes?
लेकिन आज के समय में ये बिल्कुल हद से पार क्यों हो गया God created summer, परमेश्वर ने गर्मी को बनाया created winter, जाड़ा को बनाया he created rainy season, और बरसात के मौसम को बनाया and spring and autumn, all seasons are created by our God. और हर मौसम को परमेश्वर ने बनाया है But when he created, लेकिन जब परमेश्वर ने बनाया it was not to damage or harm people. और ये लोगों को नाश या हानि पहुंचाने के लिए नहीं बनाया But why destructive storms and destructive tsunamis and destructive hurricane and destructive heat why all these things lekin ye sab jo nash karne wali garmi ya barsat ya baad ya tsunami ye sab jo nash karne wale hain ye sab kyun aate hain that is a result of the sins of a people ye logo ke paap ka parinam hai when first adam fell jab sabse pehle adam paap mein gira when sin entered पाप ने प्रवेश किया Among all the creation, सारे सृष्टि में there was no thorn, there was no and thistles. और ये पौधों में कोई भी कांटा नहीं था जब परमेश्वर ने बनाया था And no mosquitoes. कोई मच्छर नहीं थे Don't blame God. Oh God, why did परमेश्वर को दोषी ना ठहराए कि कितने मच्छर हैं It is all the result of sin. ये सब मनुष्य का पाप का परिणाम है. After sin, the thorns start growing up. पाप आने के बाद कांटे आ गए पौधों में और फिर मच्छर आ गए. And the sin is reaching to heaven now. और अब जो है पाप जो है अपने चरम सीमा और ये स्वर्ग तक पहुंच रहा है. And I declare to you. और मैं आपको बताना चाहता हूँ. When sin reaches to heaven. जब पाप जो है स्वर्ग तक पहुंच जाता है. Judgment is about to fall. फिर न्याय आने वाला है. The day of judgment is coming. और न्याय का दिन आने वाला है. Terrible judgment. बहुत भयानक न्याय आएगा. And who can escape this judgment? और कौन इस न्याय से बच पाएगा? No one. कोई भी नहीं But before that judgment falls, लेकिन वो न्याय आने से पहले God is going to remove his church परमेश्वर अपने कलीसिया को इस पृथ्वी से हटा देगा Hallelujah. Hallelujah. We are about to go. हम जाने वाले हैं Jesus is coming. यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं बहुत जल्द आने वाले हैं So believers, let us learn to walk in the spirit So विश्वासी हम सीखे कि आत्मा में कैसे चले और आज्ञाकारिता में कैसे चले We are an overcomer. हम जयवंत से भी बढ़कर है The grace of God is there. परमेश्वर का अनुग्रह मौजूद है Hallelujah. 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 Faith is given to us by our God. विश्वास जो है हमारे परमेश्वर द्वारा दिया